अगर आप भी स्टूडेंट हो चंडीगढ़ में, आप भी चाहते हो कि मैं ओल्ड बुक्स लाऊं एज अ स्टूडेंट, में थोड़े से पैसे बचाऊं, तो आपके पास भी दो ऑप्शन है चंडीगढ़ में कहां कहां जाने के लिए। अगर आप किसी भी फील्ड से हो, अगर आप मेडिकल फील्ड से हो, कॉमर्स फील्ड से हो या आर्ट्स फील्ड से हो, सारे बुक्स वहां पे अवेलेबल है। BDS, MBBS, नर्सिंग, आपको वहां पे सारे टाइप के बुक्स मिल सकते हैं और वहां पे अफोर्डेबल प्राइस पे। परसेंट पे अलग अलग आता है सर, 10-20%, 25% भी होता है, कॉम्पिटिशन बेस पर 25% पर सारी होती है, मेडिकल, नॉन मेडिकल, इंजीनियरिंग, कॉम्पिटिशन बेस्ड। सर अगर हम लेंगे सेकंड हैंड कितने में देंगे आपको? 60% का दूंगा। तो गाइस आपको समझ जाना, सेकंड हैंड बुक भी सेल कर सकते हो और न्यू भी परचेज कर सकते हो। और सेकंड थिंग, अगर आपको ऑर्डर करने किसी भी कॉलेज में हो अराउंड चंडीगढ़, इस कॉन्टेक्ट पे मैसेज करके आप ऑर्डर कर सकते हो, फिर ये आपको डिलीवर करेंगे योर कॉलेज साइड। हेलो जी, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम गुड़वा नियर SPHE कॉलेज। मैं यहीं पे रुका था साहिल और मोहसिन के पास, तो अभी टाइम है निकलने का। दिस इज द मॉर्निंग, दिस इज नेक्स्ट डे मॉर्निंग। अभी चलता हूँ मैं मोहाली की तरफ। कल रात इनके साथ जो टाइम स्पेंड किया, फोर्थ ईयर वाली फील आई मुझे। जो भी स्टूडेंट अपने घर से बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, वो नेशनल स्टूडेंट्स हो या इंटरनेशनल, वो आउट स्टेट पढ़ने जाए या आउट कंट्री पढ़ने जाए, सबको प्री प्लान्ड होता है। आफ्टर 12th जब वो क्लियर करते हैं तो सबको पता होता है कि क्या क्या करना है, किसी को बोलने की कोई जरूरत नहीं, वो करो ये करो। ज्यादातर जो स्टूडेंट आउट स्टेट पढ़ने जाते हैं कि लोगों को लगता है कि चिल मारने आते हैं यहाँ पे, वैसे कुछ नहीं है, सारे यहाँ पे पढ़। ये जो लाइफ है, इट्स स्ट्रगलिंग लाइफ। कल का टेम्परेचर था 38 डिग्री सेल्सियस। इसमें बाकी गाइस इस चैनल पे पहले भी व्लॉग्स आते थे एजुकेशन के रिलेटेड, आज भी आएंगे। अभी थोड़ा सी गैप चल रही है तो आगे भी आएंगे। दैट्स व्हाई आई रन दिस यूट्यूब चैनल, फॉर दिस पर्पस कि एक स्टूडेंट के लाइफ में क्या क्या होता है। बाकी बहुत हुआ, अभी निकलेंगे, उससे पहले मैं आपको इनसे मिलाता हूँ। दिस इज साहिल, लास्ट ईयर का स्टूडेंट। दिस इज आमिर, दिस इज फैजान, ये नया स्टूडेंट है। दशर, ये भी हमारे कॉलेज में पढ़ता है। ये तो बताइए, इसका नाम मोहसिन है। डॉक्टर मोहसिन, कितने बजे क्लास है तेरा? क्लास नहीं, अभी ड्यूटी जाना है। कहाँ पे जाना आप लोग? कम्युनिटी ड्यूटी। हमारी भी गाइस कम्युनिटी ड्यूटी होती थी, तो हमारी भी यहीं पे लगी थी कम्युनिटी ड्यूटी। भाग गया, भाग गया, छोड़। कितने बजे से कितने बजे तक होती है आपकी ड्यूटी? हमें सुबह 9 से लेके 1 बजे तक। हमें भी होती थी सुबह सुबह मॉर्निंग से लेकर लंच तक। हाँ, लंच तक होती थी और लंच के बाद फिर क्लासेस चलती थी। आप हमारी भी एक क्लास होती है। आ गया, फिर से पीछे आ गया। मिलते हैं जरूर। सो फाइनली पहुंच गया मैं अपने फ्लैट, अपने रूम पे मोहाली, और अपने कॉलेज से मैं यहाँ तक आ गया ऑटो में। और इतना हैक्टिक था, इतनी धूप है बाहर से, दिखाऊंगा अभी धूप भी बाहर कितनी धूप है, बहुत ज्यादा धूप है, तो इसीलिए थोड़ा सा अभी चलते हैं अंदर। हमारा गेस्ट भी आया है और उनसे भी मिलाता हूँ और फिर निकलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या तू क्या ढूंढ रहा है? क्या ढूंढ रहा है? अच्छा, पढ़ने वाला लड़का। तो अभी फ्रेश होंगे और निकलेंगे, फिर देखेंगे आगे क्या होगा। तू कब आया? फाइनली गाइस मैं फ्रेश होके आ गया। जो ये वाजिद है, ये मेरा दोस्त का दोस्त है, जो प्रीवियस व्लॉग में आपने देखा था मुजम्मिल, उसका दोस्त है, और ये यहाँ पे आ गया। दोस्त का दोस्त मतलब अपना ही दोस्त होता है। अभी इसको बुक्स लेने थे इसलिए आया था, तो इसको अभी ड्रॉप करने जाएंगे, बट उसके बाद हमें जो काम है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या लिया? इसमें जाए नमाज है ब्रो। गए जो मेरे बुक्स थे फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक, जिस जिसने मांगे थे उनको मैंने दे दिया, और जो पेंडिंग में मेरे पास बुक्स है, अभी मेरे पास बहुत से बुक्स है और भी। मैं, अगर आप भी स्टूडेंट हो चंडीगढ़ में, आप भी चाहते हो कि मैं ओल्ड बुक्स लाऊं एज अ स्टूडेंट, में थोड़े से पैसे बचाऊं, तो आपके पास भी दो ऑप्शन है चंडीगढ़ में कहां कहां जाने के लिए। वहां पे आप ओल्ड बुक्स या न्यू बुक्स परचेज कर सकते हो, या अगर आपके पास पुराने बुक्स है वो आपको सेल भी कर सकते हो। अगर आप पुराने बुक्स चाहते हो वहां से लेना, इन एवरी स्ट्रीम, अगर आप किसी भी फील्ड से हो, अगर आप मेडिकल फील्ड से हो, कॉमर्स फील्ड से हो या आर्ट्स फील्ड से हो, सारे बुक्स वहां पे अवेलेबल है। BDS, MBBS, नर्सिंग, आपको वहां पे सारे टाइप के बुक्स मिल सकते हैं और वहां पे अफोर्डेबल प्राइस पे। मुझे नहीं अभी पता कि कितने परसेंट पे दे रहे हैं वहां पे वो बुक्स, बट वहां पे जाएंगे वहां पे ही पता चलेगा। अभी मेरे जो बुक्स है ओल्ड बुक्स, अभी मैं जाऊंगा, मैंने पता किया था दो लोकेशन है चंडीगढ़ में जहां से हम ओल्ड बुक्स को परचेज या सेल कर सकते हैं। पहली लोकेशन है अटावा, सेक्टर 42, वहां पे भी छोटा मोटा सा बुक मार्केट है वो, बट ज्यादा बड़ा नहीं है। और सेकंड लोकेशन है सेक्टर 15, उसके पास में हमने ड्यूटीज भी की थी सेक्टर 16 में, वहीं पे 15 सेक्टर है, और 15 सेक्टर में सबसे बड़ा बुक मार्केट है जहां पे आप ऑल
कैंड सब बुक्स परचेज या सेल कर सकते हो। अगर आपके पास भी कोई ओल्ड बुक्स है, अगर आप भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो या फर्स्ट ईयर के या सेकंड ईयर के किसी क्लास के, अगर आप चाहते हो बुक्स को सेल करना या परचेज करना, आप वहां पे आप जा सकते हो और वहां से भी परचेज कर सकते हो और आपके पैसे भी बच जाएंगे एज अ स्टूडेंट। सो चलते अभी और वहीं पे बताऊंगा कि कितने प्राइसेस पे वो ले रहे हैं यहां से बुक्स। मेरे जो सेकंड हैंड बुक्स थे, मतलब मैंने वो परचेज किए थे नए, नाउ दे आर सेकंड हैंड बुक्स, अभी वो मुझे सेल करने, दैट मींस कि अब देखेंगे वो कितने परसेंट में लेते हैं, ठीक है। वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा कितने परसेंट में लेंगे और अगर हम उनको वहां से सेकंड हैंड बुक्स लेते हैं तो वो कितने में देते हैं, ठीक है। लेट्स गो, देखते हैं कि कैसा मार्केट है। हाँ सो गाइस, ये बैग फुल ऑफ बुक्स है और चलते हैं फिर सीधे। ये बुक्स इसलिए बेचनी है मुझे, ओनली वन रीजन, द रीजन इज रुको वेट, मतलब मैं इन बुक्स को ऐसे नहीं रखना चाहता कहीं पे जहाँ पे ये यूज ना हो, ठीक है। तो इसीलिए मेरा ये है कि मैंने सोचा कि इनको 16 सेक्टर वहाँ पे 15 सेक्टर सेल करूँ और वहाँ पे इनका अच्छा यूज हो और ऐसा ना हो कि ये अगर मैं मेरे पास रहेंगे तो ये ऊपर अपनी रूम में रहेंगे, ऊपर धूल पड़ेगी एवरीथिंग, तो थोड़ा सा वो मुझे ऑकवर्ड सा फील लग रहा है बिकॉज बुक्स आर माई लाइफ एंड एवरी स्टूडेंट्स लाइफ, दैट्स वाई आई सेल दीज बुक्स। आई हैव नॉट दैट काइंड ऑफ फीलिंग कि मैं इनको सेल करूँ और वहाँ से पैसे मिलेंगे एंड ऑल। इनको कोई और भी यूज़ करे और वो भी इससे कुछ हासिल करे, बाकी ये किसी अच्छी जगह पर रहे, ठीक है। तो चले फिर, थैंक यू। हेलो, दिन में इतनी प्यास लगती है और फिर बॉडी इतनी लेजीनेस दिखा रही है, एक बोर्ड से कुछ नहीं होगा दिन में क्योंकि धूप भी ज़्यादा होती है, तो अगर आप चलते चलते जाते हो थोड़ा सा, मुझे वहीं से मिलता था लिफ्ट, बट मैं सोचा थोड़ा आगे तक चलूं, मैं तो जाता ही नहीं अब जॉगिंग वॉगिंग पे, पहले तो जाता था बट अभी नहीं जाता हूँ और इसीलिए मैंने सोचा कि वहाँ तक दूसरे चौक से लिफ्ट मांगे और फिर निकले आगे। तो गाइस देखो, यहाँ से हम चलते चलते पहुँच गए, इस तरफ है 68 सेक्टर, 69 सेक्टर, 70 सेक्टर, हम यहाँ से आ गए, हम आ गए 88 सेक्टर से और इस तरफ है, अगर हम इस तरफ जाए तो 73 सेक्टर, 72 सेक्टर, बट हमें इस तरफ जाना है, इधर धूल भी बहुत है। ये फ्रूट तो मैंने कभी देखा नहीं, मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे फ्रूट देखे, पता नहीं ये क्यूक्यूम्बर जैसे लग रहे हैं। हमें इस तरफ जाना है, 42 सेक्टर, हाँ 60 है पीछे की तरफ, 30, 53 सेक्टर, 42 सेक्टर, इस तरफ जाना है हमें। आई डोंट नो कि वायर आई हैव टू गो, अभी मैं गाइस ऑटो में था, मैंने अपने क्लिप्स देखे जो पुराने क्लिप्स जो मैंने इससे पहले उठाए और मेरी टी शर्ट का कॉलर ऐसे था, तो गाइस कितना हम रियलिटी छुपाए, यही तो है, ये थोड़ी इंस्टाग्राम है कि उस पर हम अच्छे से मेकअप करके उसको देख के दो चार बार देख के फिर हम रील को अपलोड करें या फोटो को अपलोड करें, यहाँ पे ऐसे ही चलता है, आज नहीं तो कल रियलिटी देखी जाती है। सो अभी मैं क्या करूँ, बैग से इधर उधर हो रहा है, बैग में किताबों का वजन भी बहुत है। अभी मैं आया हूँ पीजीआई 12 सेक्टर में, पीछे 15 सेक्टर में है ये बुक मार्केट। मेरे साइड का एक जूनियर है, उसने मुझे कॉल की, वो यहीं पे, उसको भी बुक्स लाने हैं, उसने बोला यहीं से आ जाना और हम साथ चलेंगे, अभी मैं उसको कॉल करके फिर हम निकलते हैं। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। चल पानी पी ले, क्या हुआ तुझे? तुझे कौन से बुक्स लाने हैं? आप पहले कभी? हाँ एक बार गया। तो भाई चलो चलते हैं, इसको भी थोड़े से बुक्स देते हैं और मुझे भी ये सेल करने। अभी पीजीआई से हमने ऑटो लिया है यहाँ पे 15 सेक्टर तक, तो आधे बोल रहे 20 रुपये, आधे बोल रहे 10 रुपये, और अगर आप यहाँ पे नए हैं तो इस भाई ने हमें अफोर्डेबल बोला कि 10-10 रुपये, बट जो आगे वाला था कभी बोल रहे 20 रुपये, कभी बोल रहे 10 रुपये, जैसे हमें यार पता ही नहीं, यहाँ से ही है थोड़ा सा ही दूर। अगर आपको कहीं से भी आना है तो आपको बोलना है कि हमें, अगर कोई ऑटो वाला है या यूबर, ठीक है, आपको लोकेशन डालनी है 15 सेक्टर बुक मार्केट नियर पेट्रोल पंप, ठीक है, पेट्रोल पंप इस तरफ है, तो पीछे की तरफ है 16 सेक्टर और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है जीएमसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पीछे की तरफ, और ये है पेट्रोल पंप, उसके उस पार है, मतलब इन फाइनल आपको बोलना है कि हमें जाना है 15 सेक्टर बुक मार्केट नियर पेट्रोल पंप, दिस इज पेट्रोल पंप और इसके पीछे बुक मार्केट, अभी हम यहाँ से जाएंगे फिर यहाँ से लेफ्ट जाना है। फाइनली गाइज हम पहुंच गए बुक मार्केट 15 सेक्टर बुक मार्केट, ठीक है, देखो कितनी बड़ी है, तो ये यहीं से स्टार्ट है और इतने शॉप्स हैं यहाँ पे,
और अभी हम देखेंगे बुक सेल करने थे यार, मेडिकल मेडिकल शॉप नंबर क्या है? ये मैंने कुछ कंप्लीट बुक्स लिखे, ये भी फर्स्ट पेज पे, ये मैंने नई ली थी यार, मैंने तो पढ़ी नहीं है। और ये है फार्मा की, ये मैनेजमेंट मुझे बताओ कितने क्या बुक्स दिए हैं, आप देखेंगे कितने परसेंट में लेते हैं यहाँ से, ठीक है? तो फिर देखेंगे हम कि कितने में वहाँ से भी देते हैं, सेकंड हैंड जो ओल्ड बुक्स है वो कितने में वहाँ से भी देते हैं और यहाँ से भी। दीज आर सम बुक्स मैजिक कौन सी लेनी है आपको? ऑपरेशन थिएटर। अच्छा ऑपरेशन थिएटर वाली, वो भी देख लेंगे, सेकंड हैंड लें फर्स्ट हैंड? सेकंड। चलो ठीक। तो फाइनली गाइस मैंने आपने बुक्स दे दिए, ये सेकंड हैंड थे और इनको मैंने सेल कर लिए, बिकॉज मैं इनको नहीं रखना चाहता था फॉर यूज, कोई और लेगा इनको, अब मैंने इनको दे दिए। आप ये बताएंगे आपको कि कितने परसेंट में सेकंड हैंड देते हैं और कितने परसेंट में यहाँ से लेते हैं। आप मुझे भैया बताओ कि कितने में लिए आपने, और सेवन हंड्रेड कितने परसेंट पे लेते हो? सेकंड पुराने एडिशन है, थोड़े नए एडिशन होते तो 40% पे जाते, 40%। अगर हम लेंगे सेकंड हैंड कितने में? आपको 60% का दूंगा। अच्छा, अगर यहाँ से सेकंड हैंड लेने तो देने आपको या 40%, 130 या 40%। सो गाइज यहाँ पे हमें कितने में क्या मिलता है अगर आप वहाँ से अपने बुक्स लाते हो सेकंड हैंड, तो 40% या 1/3, कुछ 1/3 क्या होता है सर? 33% या 40% अगर आपके बुक्स कंडीशन में है। अगर आप सेकंड हैंड बुक्स यहाँ से लेना चाहते हो, कोई भी स्ट्रीम, सारे स्ट्रीम अवेलेबल, सारे मतलब कौन कौन? फ्रॉम 9th टू ऑनवर्ड्स बराबर सारी होती है, मेडिकल, नॉन मेडिकल, इंजीनियरिंग, कॉम्पिटिशन बेस्ड, सारी बुक्स अवेलेबल है, ठीक है? उनमें भी सेकंड हैंड बुक्स अवेलेबल, सारी सेकंड हैंड अवेलेबल होती है, न्यू भी अवेलेबल होती है, करवा देते हैं न्यू ऑन डिमांड। ठीक। अच्छा, आप ये अगर कोई मतलब ऑर्डर कर लेता, आप अपने कॉलेज भेज सकते हो उनको? हाँ, कॉलेज भी सेंड कर देते हैं, मतलब शॉप नंबर ये बोल सकते, और फिर आपको कांटेक्ट करके फिर आप नंबर पे डिलीवर कर सकते हो? यही व्हाट्सएप नंबर है, इसी पे आप मैसेज भेज सकते हो। ठीक, ऑर्डर आ जाता है तो फिर हम डिलीवर कर देते हैं। ठीक, तो गाइस आपको समझ आया, सेकंड हैंड बुक भी सेल कर सकते हो और न्यू भी परचेज कर सकते हो। और सेकंड थिंग, अगर आपको ऑर्डर करने किसी भी कॉलेज में हो अराउंड चंडीगढ़, ठीक है, तो आप इस कॉन्टैक्ट पे मैसेज करके आप ऑर्डर कर सकते हो, फिर ये आपको डिलीवर करेंगे योर कॉलेज साइड, ठीक है? चलिए गाइस, ये है जतिन बुक शॉप, या इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो और आपको यहाँ से ऑनलाइन परचेज या आपको ऑर्डर कर सकते हो, यहाँ पे फिर भी पहुँच सकते हैं। हर कोई किताब यहाँ पे अवेलेबल है, सेकंड हैंड, फर्स्ट हैंड। फर्स्ट हैंड अपनी प्राइस पे या उसको भी कुछ छूट है? फर्स्ट हैंड पे भी डिस्काउंट होता है। फर्स्ट हैंड पे कितना डिस्काउंट? फर्स्ट हैंड पे अलग अलग आता है सर, 10-20%, 25% भी होता है, कॉम्पिटिशन बेस पर 25% है और टेक्स्ट बुक्स पर 20% है, किसी पर 10% है, अलग अलग पब्लिकेशन के हिसाब से। जो न्यू बुक्स है उन पे भी डिस्काउंट देते हैं लोग, ठीक है? तो आ सकते हो यहाँ पे और यहाँ से आप सेल कर सकते हो। चलो फिर हम चलते हैं। और दिस इज ऑल ओवर द बुक शॉप, यहाँ से देखो कितना बड़ा मार्केट है। अगर इस वाले शॉप से नहीं मिल सकता तो ये सारे यहाँ पे शॉप्स है, ठीक है? यहाँ से तो मिल ही सकता है। चलो थैंक यू सो मच ब्रो। ओके ओके, थैंक यू सो मच। चलो फिर गाइज निकलते हैं और ये शॉप से सारे, अभी हम यहाँ से फिर से यूबर कर सकते हैं या यहाँ से ऑटो ले सकते हैं। ऊबर इज द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है? हम यहाँ से जाएंगे, हमें अभी PGI इसको छोड़ना है, PGI के बाद मुझे फिर निकलना है अपने टायर। दिस इज द चीफेस्ट बुक मार्केट इन चंडीगढ़, तो देख सकते हो बहुत ही अच्छा बुक मार्केट है। मैंने भी लाए थे फर्स्ट ईयर में कॉलेज से बुक्स, और बड़े महंगे दिए थे उन लोगों ने, बट जब भी हमें इसका पता चला तो यहाँ पे आपको नए बुक्स भी अफोर्डेबल प्राइस पे मिलता है और डिस्काउंट पे मिलता है। स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छा है, बाकी जो भी है अगर कोई बुक्स पढ़ना पसंद करता है वो भी यहाँ से ला सकता है। तो निकलते हैं अभी। ये है पेट्रोल पंप, उस तरफ सेक्टर 16 है और इस तरफ सेक्टर 12 है और PGI। हम पहुँच गए फिर से PGI। जिसने PGI का व्लॉग नहीं देखा वो जाके देख लो, ऊपर आई बटन में लिंक आ रही होगी और वहाँ पे टैप करके देख लो, ठीक है? तो तब तक हम कुछ खा ले, सुबह से कुछ नहीं खाया यार। मास्क सीधे रखना, क्या कर रहा है तू? चल फिर निकलना, अल्लाह हाफिज़। अभी आप देख रहे हो कैसे कॉलर है अभी, बिकॉज मेरे बैग में अभी कुछ नहीं है, सारे बुक्स मैंने सेल कर लिए, इसलिए अभी मेरा कॉलर ठीक लग रहा है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंडीशन, क्या होती है एक स्टूडेंट लाइफ में, क्या क्या होता है। हमारे बैग इतने भारी होते थे
पैलेस ही सबके होते हैं ऐसे ही, ठीक है। तो यार ट्राई टू अंडरस्टैंड, अभी निकल रहा हूँ वापस। ओए 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 साइकिल वाला दे। मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मुझे जाना था 6 फेज और 6 फेज से फिर सेक्टर 70 जाना था, ठीक है। तो अभी मैं सोच रहा कि यहाँ से ऑटो ले लूँ 6 फेज तक और 6 फेज से फिर यूबर बाइक कर लूँ। बस देखिए अभी कोई ऑटो नहीं आ रहा है। अरे मैं भी सोच रहा हूँ कोई ऑटो नहीं मिला अभी, तो वहाँ तक चले थोड़ा सा। देखो ये वाला ऑटो इलेक्ट्रिक है, मैंने इसको बोला भाई साहब रुको पता नहीं अब मेरे 6 फेज भास्कर चौक तक जाऊँगा, मुझे वहाँ से मिलेगा। ठीक ट्रैफिक प्लीज। अभी मुझे मौसम भी कॉल कर रहा है, मौसम बोल रहा है मैं आया हूँ आपके फ्लैट पे और उसका कुछ काम था यहीं पे चंडीगढ़ में। मैं बोला ठीक है आ जाए यहीं पे थोड़ा सा रेस्ट कर, मैं भी आ रहा हूँ। तो वो भी अभी फ्लैट पे ही होगा। अभी यहाँ पे सुकून जैसे मिल रहा है, जैसे कि ठंडी ठंडी हवा है, गर्मी ज़्यादा नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं जस्ट पी रहा हूँ, चाय पी रहा हूँ यार। और कहाँ था? मैं गया था बुक सेल करने, जो मेरे अपने बुक्स थे वो पुराने। वैसे आप घर क्यों ले जाऊँ आप थोड़ा सा उनको 15 सेक्टर लिया। घर जाना है वैसे। हाँ और बता। बस बढ़िया। चाय पी ली? किसने बनाई चाय? खुद बनाई। अच्छा चल ठीक है, यहाँ पे तो खुद ही करना पड़ता है। तो चला गया, मौसम भी आ गया। मिलता हूँ अब नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर ये हेल्पफुल या पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो। अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। आप थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे। बाय बाय।